जय हिंद साथियों, मैं हवलदार चंद्र पांडे, पूर्व एनर्जी कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हमारा संस्था बिहार के पटना शहर के गांधी मैदान गेट नंबर 1 के पास और बिहार के आरा शहर के जैन कॉलेज और हवाई अड्डा इस यहां पर निरंतर है। तो आरा के जैन कॉलेज और आरा के हवाई अड्डे पर निरंतर चल रहा है और वहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ का जो चार्ज है एडमिशन का 1500 रुपया है और रहने खाने का हॉस्टल फैसिलिटी सबसे नंबर वन हॉस्टल फैसिलिटी आरा में अगर जाइए या पटना में आइए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो हॉस्टल का फैसिलिटी है। पटना में सीटें कम रहती हैं, आरा में सीट अवेलेबल है, वहाँ पर 100 सीटों का है। आप जाइए वहाँ पर अपना एडमिशन ले लीजिए और रहिए। आपको फुली गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि फुली गारंटी के साथ आप अगर केवल और केवल समय दीजिए हमको, हम आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं कि आप मुझे समय दो, मैं आपको वर्दी दिलवा के मानूंगा। आपका अगर आपका रिटेन में अच्छा नंबर है, अगर आप बोलते हैं कि नहीं मेरा रिटेन में बहुत बढ़िया नंबर है, मेरा मेंस का कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो आइए आप हमारा केवल और केवल साथ दीजिए, आप मुझे समय दीजिए और जितना हम और हमारी टीम जो आरा की टीम जितना कराती है उतना करते रहिए। आराम से आपको कोई फिजिकल में रोक नहीं पाएगा, कोई फिजिकल में आपको रोक नहीं पाएगा, मैं आपको इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर आप बोले थे 12 तारीख को वीडियो बनाने के लिए कि 12 तारीख का क्या हुआ, रिजल्ट का क्या हुआ, रिजल्ट कब आएगा, इसका फिजिकल कब से होगा, हम अब तैयारी कैसे करें। तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं कि अब असली रेस शुरू होगा। अब असली रेस जिसे 2446 में शुरू हुआ था, अब असली रेस होगा खरगोश और कछुए का। खरगोश और कछुए का रेस में हमेशा आपने देखा है कि जीतने की कैपेसिटी, जो रेस जीतने की कैपेसिटी वो खरगोश के पास होती है, लेकिन जीतता हमेशा कछुआ है। अगर मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अब यहाँ से कछुआ रेस जीत जाएगा, खरगोश रेस हार जाएगा, क्योंकि जो बच्चा ग्राउंड में नहीं आ रहा है वो सोच रहा है कि रिजल्ट आने के बाद मैं जाके ग्राउंड में कर लूँगा। वो अपने मन से जो आपके मन में जो दुविधा होगा ना, उसको निकाल के पहले रख दीजिएगा कहीं टेबल पर, जिस टेबल पर आप पढ़ाई करते थे ना उस टेबल पर रख दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड में आने के बाद 10 से 15 दिन आपको दर्द करेगा और असहनीय दर्द करता है। बहुत सारे बच्चे जो पहले से हल्का फुल्का दौड़ रहे थे उनको हल्का फुल्का दर्द कर रहा है, और जो बच्चे बिल्कुल ही अपने आप को शरीर को फ्रिज में, कूलर में, वॉशिंग मशीन में रख के बैठे हुए थे उनको असहनीय दर्द कर रहा है, मैंने सहन से ज़्यादा, तो उनको असहनीय दर्द से निपटते निपटते 15 दिन लग जाएगा। अगर आपका ये बड़ा है, पेट बड़ा है, तो पेट को टाइट करने में आपको 1 महीना लगेगा। तो जिनको लगता है कि मेरा नंबर अच्छा है, जिनको लगता है कि मैं कटअप लिस्ट से हाईएस्ट नंबर लेके आया हूँ, मेरा केवल और केवल फिजिकल कोई बना दे तो मैं नौकरी पा लूँगा, तो उसकी ही गारंटी हम लेते हैं, उसको स्टम्प पेपर पर लिख के गारंटी के साथ लेंगे कि आपका फिजिकल हम करा के ही मानेंगे। आपका फिजिकल अगर नहीं होता है, अगर आप मुझे समय देते हैं प्रॉपर, अब ये समय मतलब प्रॉपर हो गया, दोनों टाइम आना, मेरे कहने मानना, मैं जितना टारगेट देता हूँ उतना कंप्लीट करना, आपको आराम से फिजिकल निकल जाएगा, फिजिकल में कोई आपको नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब वही है कि बहुत सारे बच्चे अपना बोरिया बिस्तर क्लोज करके आज यहाँ शादी है, कल वहाँ शादी है, आज यहाँ जाना है, या आज यहाँ का ट्रेन छूट रहा है, आज यहाँ इमरजेंसी है, कल वहाँ इमरजेंसी है, आज ये काम करना है, अब वो काम करना है। समय मिल गया तो समय आपके लिए नहीं मिला, समय सबके लिए मिल रहा है। रिजल्ट के बाद कम से कम 15-17-20 दिन आपको समय देगा, तो रिजल्ट तो सबके लिए आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा नंबर अच्छा है तो आप ग्राउंड में टिके रहिए, ग्राउंड में भरे रहिए। अब हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे। तो अभी जो प्राप्त जानकारियों के हिसाब से पता चल रहा है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, इसलिए रिजल्ट अब हमें नहीं पता इसका सच्चाई कितना है, अभी इसका सच्चाई हमें नहीं पता है। लेकिन जो अनुमानता जो डेट आ रहा है वो 20 तारीख को आ रहा है कि 20 तारीख यानी कि होली के पहले आपके रिजल्ट की घोषणा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। होली के पहले आपका जो रिजल्ट का जो संभावना है व्यक्त किया जा रहा है कि होली के पहले हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि 20 तारीख को रिजल्ट आने की हो सकता है, कि थोड़ा बहुत चांसेस है। अगर 20 तारीख होता है तो 10 तारीख से आपका फिजिकल, 10 अप्रैल से फिजिकल होने का संभावना है। ये 15 से 20 दिन के अंदर आपको समय दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आचार संहिता से इसका लेना देना नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, चूँकि आचार संहिता जो लागू होता है तो उसमें बहुत सारे नियम कानून को बनाया जाता है, तो भीड़ भाड़ वहाँ कम बनाया जाएगा, इसलिए हो सकता है आचार संहिता का इसका फर्क भी पड़े ना पड़े, इसके बारे में हमें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि आचार संहिता का इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका जो डेट है उसी डेट में फिजिकल यानी कि 20 दिन के बाद फिजिकल की तैयारी जो बच्चा कर रहा है उसका आराम से हो जाएगा, और जो बच्चा सो रहा है उसका फंसेगा।
उसका फिजिकल 100% फंसेगा, वो फिर रोएगा, वो उसका 80-82 नंबर कोई काम नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आराम से बने रहिए, ट्रैक पर बने रहिए, कछुआ और खरगोश की रेस को समझिए, आप कछुआ हैं कि खरगोश हैं ये तय आपको कीजिए करना है और कीजिए, और उस तरह से ग्राउंड में लगे रहिए। अगर जो बच्चा ग्राउंड में कंटिन्यू रहेगा उसका दर्द अपने आप सीधा सीधा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दर्द तो करेगा, दर्द काहे नहीं करेगा जी, आप दर्द वाला काम करें काहे नहीं करेगा, दर्द क्यों नहीं करेगा? आपको नहीं दर्द करेगा तो जो रजाई में सो रहे हैं उनको दर्द करेगा, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उसका दर्द करेगा, दर्द आप ही को करेगा क्योंकि आप ग्राउंड में कूद चुके हैं। बैटिंग या प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो बॉल आपको लगेगा ना, दूसरे को बॉल लगेगा, दूसरे को बॉल लगेगा, आप ही को लगेगा। अगर फुटबॉल का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किसी के बूट से चोट आप ही को लगेगा ना, कि दूसरे को लगेगा? जो बाहर से बैठ के देख रहा है उसको चोट लगेगा, आप ही को लगेगा। तो आपको लगेगा तो इसको सहने की आदत भी आपको डालना पड़ेगा। फार्म आपने भरा है और हिम्मत बनाए हो तो थोड़ा सा हिम्मत बनाइए, ग्राउंड में कंटिन्यू रहिए, सुबह और शाम ग्राउंड में आइए और मेहनत कीजिए। आप मुझे समय दो, मैं आपको वर्दी दिलवा के मानूंगा। मैं और मेरी टीम एकदम तत्पर है, एकदम अडिग है कि हम बच्चों को वर्दी दिलवा के ही मानेंगे। हमारे पास जो बच्चे कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देखिएगा कि जब अगला टाइमिंग लगाएंगे इनका टाइमिंग कितना घटेगा, इनका टाइमिंग कितना बेस्ट आएगा, इनका टाइमिंग कितना ही कितना कितना मैंने इनका बेहतर टाइमिंग आएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं या चाहती हैं तो आइए, हम आपकी टाइमिंग घटवाएंगे, आपसे हाई जंप भी करवाएंगे, आपको लॉन्ग जंप भी कराएंगे। आपके पैरों में दर्द है तो धीरे 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 एक्सरसाइज की बदौलत हफ्ता दिन 10 दिन 15 दिन में एक्सरसाइज करा के हम दर्द भी खत्म कर देंगे, लेकिन ग्राउंड आइएगा तब। अगर मेरे पास आते हैं तो हिम्मत थोड़ा मजबूत करके आइएगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेनिंग है वो हार्ड होता है, आपको अनुशासन में रहना पड़ता है, इसलिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे टिक नहीं पाते हैं, चूँकि हम अनुशासन में रखते हैं और अनुशासन में रखना हमको आता है। अगर आप भी चाहते हैं चाहती हैं तो रिजल्ट का जो इंतज़ार कर रहे हैं आप भी कर रही है, अगर आप चाहते हैं तो आइए ग्राउंड को पकड़ लीजिए और ग्राउंड में मेहनत कीजिए और दबा के कीजिए, खूब एकदम खाना पीना दबा के। आपको चार ही काम है, खूब दौड़ना, खूब खाना, खूब सोना और खूब देह हाथ में मालिश करना और फ़ोन को कम इस्तेमाल करना। ये चार काम अगर बढ़िया से आप कर लीजिए तो आपका दरोगा बनने से आपको, अगर आपको लगता है अच्छा नंबर है तो आपको दरोगा बनने से भी कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। और मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि आप मुझे समय अगर देते हैं या देती हैं तो 15 दिन में आपके टाइमिंग पर फ़र्क डाला दूंगा, 15 दिन में। और 15 से 20 दिन आप जैसे ही 20 दिन कंप्लीट होगा आपका टाइमिंग आ जाएगा, अपने जगह पे आ जाएगा, लेकिन आप मुझे समय दीजिएगा तब। अब ये नहीं कि आए और 2 दिन यहाँ 2 दिन वहाँ, वो वाला व्यक्ति मेरे पास मत आइएगा, मुझे टाइम पास करने नहीं आता है और ना आपको टाइम पास करने दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री, जिसको भोजपुर फिजिकल एकेडमी ब्रांड ऑफ बिहार और मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री कहा जाता है। थैंक यू, जय हिंद।